ए उधर देखना रे, अरे कोई बचाओ इसे, बचाओ, अरे अरे कोई इसे नीचे उतारो वरना ये गिरकर मर जाएगा। देखा, अरे आदमी आदमी में कितना फर्क होता है, एक ये है और एक है वो अनवर जो खुलेआम गर्द बेचता है। हाँ, इसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। देखो साहब, आप फोकट में भाषण मत देना, मैं ये धंधा बंद करने वाला नहीं हूं। अंकल अंकल, हमारे अंकल को मत मारो, मत मारो हमारे अंकल को। अंकल अंकल, हमारे अंकल को मत मारो। अंकल अंकल, मत मारो हमारे। ए साहब, ए तूने एक बच्चे पे हाथ उठाया, अपुन तेरी वाट लगा डालेगा। उस बच्चे को मारा तो बहुत तकलीफ होगी, जबकि वो एक थप्पड़ खाने से मर नहीं जाएगा, और ना ही वो तुम्हारा अपना बेटा है, फिर भी तुम्हारा कलेजा पड़ गया। अब सोच, जिनके जवान बेटों को तुम ट्रक गिलाकर मार देते हो, उनके मां बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी, सोच सोच। बोल, इसमें जहर है कि नहीं? बोल। भगवान का दूसरा रूप होती है माँ, और माँ का दूसरा रूप होता है डॉक्टर, और तूने तो उस मासूम को बेटा भी कहा था ना, उसके बाद भी इतना हरामी पर। धर्मा, अपना कर्म कर दिया, अब मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। आप आइए मेरे साथ। कौन है ये? यही है वो सेंट्रल जेल का जेलर कपिल देव सिंह। कहाँ है कृपाल सिंह? हम यहाँ हैं। ऊंचाई पर रहने का एक फायदा होता है, किसी के सर से टोपी या पगड़ी उछालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद गिर जाती है। लेकिन एक नुकसान भी है, ऊंचाई पर रहने वालों को हर वक्त सर झुकाकर बात करनी पड़ती है, और नीचे वाले हमेशा सर उठाकर बात करते हैं। तुम्हारे बारे में हमने जैसा सुना था वैसा ही पाया, अब तो हमें तुमसे मिलना ही पड़ेगा। हाँ,
कैसा लगा तुमको हमारा ये महल? बहुत ही खूबसूरत, लेकिन लंबाई चौड़ाई में मेरी जेल से कम है। दूसरी बात यह है कि यहाँ कबूतर उड़ते हैं, जबकि मेरी जेल में मेरी मर्जी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लगता है डॉक्टर शर्मा के जहर को जहां पहुंचना चाहिए था वहां ना पहुंचकर तुम्हारे अंदर आ गया है। शायद इसीलिए जेलर साहब सिग्नल की तरह लाल पीले हो रहे हैं। हमेशा ये नहीं मालूम कि सिग्नल तोड़ना हमारी पुरानी आदत है। और मेरी आदत है तुम जैसे गुंडों से जेल में झाड़ू लगवाने की। अच्छा यही होगा कि तुम लोग हमेशा के लिए इंतकाम की बात भूल जाओ। देखो जेलर, अगर सभी लोग इंतकाम लेना भूल जाएं, तो दुनिया की तमाम जेलें वीरान हो जाएंगी। और मेरी समझ में नहीं आता कि तुम घर के कैसे मालिक हो जो ये चाहते हो कि तुम्हारा घर वीरान हो जाए। और तुम कैसे इंसान हो जिसे बच्चे पर भी दया नहीं आती? मोहब्बत हुस्न नहीं देखता और इंतकाम उम्र नहीं देखता। कृपाल सिंह, फर्ज अमीर और गरीब नहीं देखता। मेरी ड्यूटी है कि मैं जीवा और उसके बच्चे की रक्षा करूं। याद रखना, अगर तुम मेरे और मेरी ड्यूटी के बीच आए तो मैं तुम्हारे और तुम्हारी सांसों के बीच आ जाऊंगा। बदन पे खाकी वर्दी और कंधे पर चंद सितारे लग जाने के बाद अच्छा खासा आदमी दिन में ख्वाब देखने लगता है। मगर उसे नहीं मालूम कि ऊंचाई से पानी की धार भी गिरे तो पत्थर में सुराख हो जाता है। सेंट्रल जेल के जेलर कपिल देव सिंह पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में यह अदालत कृपाल सिंह को दफा 307 के तहत 7 साल कैदे बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। आंटी, बंदूक वाले आंटी, बंदूक वाले आंटी, मुझे रोक लो, मुझे इनके साथ मत जाने दो, बंदूक वाले आंटी मुझे रोक लो। मुन्ना को जीवा ने जन्म जरूर दिया है, लेकिन हम सब ने इसे ममता की छांव में पाला है। तुम लोग इसे यहां से नहीं ले जा सकते। हट जाकर माँ, तू कानून के बीच में मत आ। तू अपने कानून से कह कि वो माँ और ममता के बीच में ना आए। हथियार डाल दे कर्मा, तू अकेली कानून को नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि यहाँ कानून के नाम पर गोलियां चलाने वाले सिपाही सैकड़ों हैं। तो ममता के नाम पर गोलियां खाने वाली माए भी सैकड़ों हैं। Yeah!
खबरदार कोई आगे बढ़ा तो गोली चला दूंगा। गोली चलाने की बात करता है, अरे दम है तो चला चला, माँ के सीने पे गोली चला ना। ये क्या कर रही है? अरे चाल तो वो है, वो कानून की खाट में घुसकर क्यों खून चूसता है? नीचे आप कमीने, नीचे आ, अरे बाहर निकल। अरे उधर क्या बीबी का धावा है क्या जो मुंह छुपा रहा है? मुझे क्यों लाभ? नीचे आ। गुंजर क्या हो रहा है? बाहर निकल। रुक जाओ जेलर, तुम बीच में मत आओ। हम मुन्ना को हरगिज नहीं ले जाने देंगे। तुम लोग अगर इनको रोक भी लोगी तो बाद में और सिपाही आ जाएंगे, उनको भी रोक लोगी तो और आ जाएंगे। कभी ना कभी मुन्ना को यहां से जाने तो देना ही पड़ेगा। जेलर साहब, मुन्ना जाएगा लेकिन हमारी लाशों के गिरने के बाद। जिसकी एक मां मर जाती है तो वो जी नहीं पाता, अगर इसकी सैकड़ों माएं मारी गई तो सोचो क्या यह जी पाएगा। प्लीज तुम लोग कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे बाद में मैं जीवा और मुन्ना की कोई मदद न कर सकूं। आओ बेटे। इस वक्त इसे अपनी माँओं के जिद रही कुर्बानी चाहिए। सर आप हंस रहे हैं, आपको तो इतनी गालियां दी गई हैं, आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? अरे इन चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे मेटल का बना हुआ हूँ कि मुझ पर आग और तेजाब का भी असर नहीं पड़ता। क्यों, यही बात है ना जेलर? हाँ ये बात तो है सर। इसके अलावा एक और बात भी है सर। वो क्या? जो लोग आग और तेजाब से भी नहीं जलते वो कभी कभी आंसुओं से जल जाते हैं। अपने आप चुप हो जाएगा रोते रोते। प्लीज बच्चे का सर आप ख्याल रखिएगा। भाई साहब ये कोई पैसे होते नहीं है कि बच्चे का ख्याल रखा जाए। बहुत ही सही जगह पर तुम बहुत ही गलत आदमी बैठे हुए हो। भाई साहब इस देश में 50% से ज्यादा कुर्सियों पर गलत आदमी बैठ गए हैं। अरे मुझे मालूम है कि मैं गलत हूँ, फिर भी आप मेरा कुछ भी गाइड नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा एक जगह मरेंगे ना। मगर इस चाटे से सिस्टम बदलने वाला नहीं है। आज मुन्ने का जन्मदिन है लेकिन वो तो यहां पर है नहीं, और वो कहां है ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं। जन्मदिन पर देने के लिए ये कपड़े मंगवाए थे, उसे दे दीजिएगा। साहब जी, मैंने उसके लिए जूते मंगवाए थे, और ये मेरी तरफ से उसे दे दीजिएगा। ये मेरी तरफ से। Thank you.
अरे ये क्या कर रही हो? हमारे यहां रस्म है, जो चिता जलाकर लौटते हैं उनके पांव धोए जाते हैं। अंकल आप 4 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, आखिर हम जा कहां रहे हैं? स्कूल। आप तुम वहीं रहोगे और वहीं पढ़ोगे? नहीं अंकल, मैं अपनी माँ से दूर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ अंकल, मैं पढ़ूंगा भी नहीं। अगर तुमने खूब दिल लगाकर पढ़ाई की और क्लास में फर्स्ट आए तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारी माँ जेल से छोड़ दी जाएगी, फिर तुम अपनी माँ के साथ ही रहना। फिर तो मैं खूब पढ़ाई करूंगा। नो प्रॉब्लम, इस बच्चे का एडमिशन यहाँ हो जाएगा। थैंक यू मैडम। इट्स ऑल राइट, आओ मेरे पास आओ, आओ। तुम्हारा नाम क्या है? मुन्ना। वेरी स्वीट। अच्छा तो तुम्हारा घर कहाँ है? सेंट्रल जेल। मजाक कर रहे है? मजाक कर रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ और तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? सब जेल में। मेरी माँ और मेरी बंदूक वाली आंटी भी वहीं रहती हैं, और वहाँ मेरी बहुत सारी आंटियाँ हैं। ओह माय गॉड, देखिए इसका एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता, दूसरा आदमी भेजो। प्लीज मैडम, प्लीज। ठीक है, आपके मुन्ने का एडमिशन हो सकता है, लेकिन क्या वो 1 लाख रुपया डोनेशन दे सकता है? जिसकी पॉकेट में आजादी के एक दिन भी नहीं, वो 1 लाख रुपया कहाँ से दे सकता है? इतना तो मेरे पास भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसे नहीं दे सकता, तो फिर हम भी उसे एडमिशन नहीं दे सकते, राइट? देखिए साहब, सच बात तो ये है कि स्कूल चलाना कोई सेवा या धर्म की बात तो है नहीं, राइट? इसलिए हम तरस नहीं खाते, राइट? स्कूल चलाना तो 100% धंधा है, 100% बिजनेस, राइट? आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, डेमोक्रेसी में सबको बोलने की छूट है, राइट? आपने भी सुना होगा कि पहले के राजा और रईस अपने लड़कों को पढ़ने के लिए कोठे पर भेजा करते थे, राइट? अब वो कोठे तो नहीं रहे, लेकिन आपका ये स्कूल उन कोठों से कम नहीं, इसलिए कि कोठों की तरह आपके स्कूल में भी 100% बिजनेस होता है, इसलिए कि कोठों की तरह आपके स्कूल में भी सिर्फ राजा और रईसों के लड़के पढ़ने आ सकते हैं। जब काम वही है मैडम, तो नाम भी वही क्यों नहीं रख लेते? अब बोलिए, राइट? बोलिए। राइट। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। अरे कपिल, 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 मेरी बात तो सुनो कपिल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पापा तुम्हें इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि तुम अनाथ आश्रम में पले और बड़े हुए। कपिल, वो तो मेरे लिए सिर्फ एक खानदानी लड़का चाहते थे, इसलिए शायद तुम्हें बहुत गलत कह गए। और तुम चुपचाप खड़ी सब सुनती रही। मैं अपने पापा से डरती थी। जब डरती थी तो प्यार क्यों किया? अब मैं किसी से नहीं डरती, चलो प्यार करते हैं। बच्चों के गार्डियंस खड़े। अरे बाहर में गए गार्डियंस। जब तुम मुझे नहीं मिले थे ना, तो मैंने फैसला कर लिया था कि जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे सामने प्रिंसिपल है। अरे बाहर में जाए प्रिंसिपल, मैंने तो ये नौकरी सिर्फ टाइम पास के लिए की है, और मैं किसी प्रिंसिपल वगैरह से नहीं डरती। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम ये कपिल, 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 इनके बारे में मैंने आपसे पहले कहा तो कहा ये इसने हमको तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था, और हमने उसको बोला था कि एक दिवस ये जरूर आओ से आवी गयो ने। मैं एक बच्चे के एडमिशन के लिए आया हूँ। अरे नो प्रॉब्लम, ये बड़ी बात जवा दे, पहले ये बताओ कपिल, तुमने इसे माफ किया या नहीं? अब तो ये भी अनाथ है बेचारी तुम्हारी तरह, क्योंकि इसके डैडी नहीं रहे ना। अरे
आए बदुनी सारू नहीं लगे प्रिंसिपल ने ऑफिस चेयर रोमांटिक प्लेस पर जाओ नॉट योर गो गो चलो कपिल और सुनो तुमने कहा था ना प्रिंसिपल जाए बाड़ में अरे ना मतलब तो बताओ दीजा कपिल इसका मतलब बाड़ में का मतलब आ, आ, इसका मतलब हेवन है हेवन गुड जन्नत स्वर्ग वेरी गुड चले कपिल हे भगवान तुम लोग भाड़ में जाओ और मैं भी मरने के बाद भाड़ में ही जाऊं कपिल इतने सालों के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो स्लिम ट्रिम डैशिंग हैंडसम एक फर्क आया है क्या क्या वो क्या है मैंने मुन्ना की वजह से फिर से होली खेलना शुरू कर दिया तो तुमने होली भी खेलना बंद कर दिया था तुम्हारे साथ होली खेलने के बाद मैंने फिर कभी होली नहीं खेली वो होली भी कितनी खूबसूरत थी ना कपिल यही कि अगर इस बार तुम भागे तो मैं किसी को मार पीट कर तुम्हारी जेल में आ जाऊंगी फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे ऐसा होगा ही नहीं मुन्ना अब तुम्हारे पास है अब तो मैं आता ही रहूंगा अच्छा जी तो आप मुन्ना से इतना प्यार करते हैं हाँ उसे जब भी मैं देखता हूँ उसमें 20 साल पहले का कपिल देव सिंह मुझे नजर आता है उसकी तरह मैं भी अपने डैडी को नहीं देख पाया था मैं भी बेसहारा था तुम भी यही समझना कि मुन्ना मेरा बचपन है जिसे खूब प्यार चाहिए हाँ हाँ मैं मुन्ना को खूब सारा प्यार दूँ मुन्ना तुम्हारे लिए खुशखबरी है एक बहुत ही गुड न्यूज है तुम्हारे लिए क्या तुम्हारा रिजल्ट निकल गया है तुम फर्स्ट आ गए हो इस खुशी में देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ एक गिफ्ट के पैकेट क्रिकेट बॉल और तुम्हारा मनपसंद फुटबॉल जनरल अंकल मुझे सब नहीं चाहिए नहीं चाहिए मुझे मां चाहिए आप ही ने तो कहा था अंकल कि अगर मैं फर्स्ट आ जाऊंगा तो मुझे मेरी मां मिल जाएगी मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ अपनी मां चाहिए अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ अपनी मां चाहिए अंकल खेलना कूदना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है अंकल मैं आपका सर दबाऊं आई एम सॉरी मुन्ना आई एम वेरी सॉरी आप एक काम कीजिए क्या अंकल आंटी ने एक बार कहा था भगत सिंह जो अपनी माँ को और अपने देश को बहुत चाहते थे उनको फांसी दे दी गई मैं भी तो अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ मुझे ही फांसी दे दो ना तू जानता है फांसी क्या होती है नहीं फांसी रोटी की तरह गोल जरूर होती है मगर वो जिंदगी देती नहीं ले लेती है और फांसी तुम्हें क्यों मिलनी चाहिए फांसी तो उसे लगनी चाहिए जिसकी वजह से तुम माँ बेटे आपस में मिल नहीं सकते सर एक को फांसी देने का टाइम हो गया है ऑनरेबल मेंबर्स ऑन द डायस भाई और बहनों आजकल हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है खून खराबा मारकाट बढ़ता ही जा रहा है साइलेंस साइलेंस ये सच है कि कुछ कारणों से कानून कुछ कमजोर हो गया है लेकिन इतना भी मजबूर नहीं हुआ है कि कानून की देवी का अपमान करने वालों को आप लोग सजा ना दे सकें सजा जरूर दें गौड़ा साहब आपका कानून कमजोर भी है और मजबूर भी और कभी कभी तो आपका कानून गुनहगार भी बन जाता है
ये कहां से टपक गया? पता नहीं सर। तुम यहां क्यों आ गए? मैं यहां ये खबर देने आया हूं कि मैं एक ऐसे मुजरिम को जानता हूं जिसने कानून की देवी का अपमान ही नहीं किया बल्कि उसे फांसी दे दी। फिर भी मेरा यह दावा है कि आपका कानून उसको सजा नहीं दे सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ कौन है वो? उसे सजा जरूर मिलेगी। वैसे तो वो 6 साल की सजा पहले भी काट चुका है। फिर तो वो बड़ा खतरनाक मुजरिम है। हाँ हाँ, बहुत खतरनाक मुजरिम है और उसकी उम्र सिर्फ 7 साल है। उसका नाम है मुन्ना, जिसका दूसरा भयानक जुर्म यह है कि वो अपनी मां जीवा से बहुत प्यार करता है। यहां जो भी लोग मौजूद हैं कानून की रगरग से वाकिफ हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए कानून की मूर्ति बनाने वालों ने कानून के लिए किसी देवता की मूर्ति क्यों नहीं बनाई? बताइए क्यों नहीं बनाई? उसने कानून के लिए देवी की ही मूर्ति क्यों बनाई? पता नहीं। देवी की मूर्ति इसलिए बनाई गई कि कानून बनाने वाला यह जरूर चाहता होगा कि कानून एक मां की तरह हो जिसमें ममता हो। इसीलिए गवर्नर साहब उसने मूर्ति का रंग काला पीला नहीं बनाकर दूध की तरह सफेद बनाया। लेकिन आपके कानून में न मां है न ममता है न दया है न इंसानियत है। या तो जोड़ दीजिए इन शब्दों को अपने कानून की किताबों में या फिर तोड़ दीजिए इस मूर्ति को और बना डालिए इसकी जगह किसी राक्षस की मूर्ति। ए, निकालो इसे यहां से। इसे यहां पर किसी ने नहीं बुलाया। ये यहां पर आके कानून का अपमान कर रहा है। कानून से इंसाफ मांगने वालों को जो अपनी ताकत से दबाते हैं दरअसल कानून का अपमान वो करते हैं। डोंट टच मी, आई एम ऑल्सो गजेटेड ऑफिसर, आई नो लॉ बेटर देन यू। देखते क्या हो, अगर प्यार से नहीं चाहता तो धक्के मार के निकाल दो। ये मेरा ऑर्डर है। गवर्नर साहब, अगर कानून कुछ न करे फिर भी ना मुन्ना को कुछ फर्क पड़ेगा ना ही कानून को। नहीं, ये गलत है गवर्नर साहब। शरीफ आदमी जुर्म नहीं करता क्योंकि वो जेल जाने से डरता है, लेकिन मुन्ना जो जेल को ही मां का घर समझता है, कानून के पास उसे डराने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए वो मुजरिम बना तो बहुत बड़ा मुजरिम बनेगा। आज तो उसने कानून की देवी को घर के अंदर फांसी दी है, लेकिन अगर उसे मां नहीं मिली तो बड़ा होकर एक दिन चौराहे पर कानून की देवी को फांसी दे देगा और इसका जिम्मेदार होगा आपका कानून। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून को किसी के जुर्म का जिम्मेदार नहीं बनने दूं। पहली बार इस गुंबद के नीचे तुम एक अच्छी खबर लेकर आए हो कि गवर्नर जीवा से जेल में मिलने आने वाले हैं। हो सकता है कि उसके बच्चे पर तरस खाकर वो उसे रिहा भी कर दें। भगवान करे ऐसा ही हो। जल्द से जल्द वो उसे जेल से रिहा करें और हम उसे इस दुनिया से रिहा कर दें। तुम्हारी फाइल पढ़ी, उससे मालूम पड़ा कि तुम आदतन मुजरिम नहीं हो। तुम्हारा जेल रिकॉर्ड भी अच्छा है। तुम्हारे मुन्ना से भी मिल चुका हूं मैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि तुम्हारी सजा माफ हो जानी चाहिए। आओ मेरे साथ। इस पर दस्तखत कर दो। ये क्या है? तुम्हारा माफीनामा। किस बात की माफी? यही कि तुमने यशपाल सिंह का खून करके गलती की जिसके लिए तुम सरकार से माफी चाहती हो। गवर्नर साहब, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले जिस कानून ने मेरे पति के हत्यारों को बाइज्जत रिहा कर दिया था उससे कहिए कि वो मुझसे माफी मांगे। कानून से मुझे इंसाफ मिल गया होता तो मैं यशपाल सिंह का खून नहीं करती। गवर्नर साहब, बदले की कहानियां इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि आपका कानून इंसाफ नहीं दे पाता। इंसाफ इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि आपके कानून की देवी बांझ हो चुकी है। बांझ? नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर दिलवाइए उन लोगों को सजा जिन्होंने मेरे पति के हत्यारों को माफ कर दिया था। सर, मुजरिम को सजा तो मिलनी ही चाहिए चाहे वो कोई भी हो। तुम्हारे पति के केस की फिर से जांच हो इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा।
सर इसके लिए भी इनको एक अर्जी डायरेक्ट सरकार के नाम से देनी पड़ेगी। वो अर्जी में बना लाया, सिर्फ आप अंगूठा लगा दीजिए। क्यों? अंगूठे से ही आदमी की पहचान होती है। ये क्या किया तुमने? एक स्त्री की पहचान उसके पति के नाम से होती है। अगर मेरी ये पहचान आपको पसंद नहीं आई तो फाड़ दीजिए इस कागज को, नहीं चाहिए मुझे माफी। ठीक है, ठीक है। आप सब ये बताइए कि आप मुन्ना के बारे में कुछ कर सकते हैं या नहीं। पुलिस तेरे बाप की नहीं है जो तेरी हर बात मान ली जाए। ये देश भी तेरे बाप का नहीं जो तेरी हर बात सह ली जाए। तूने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, आज इसी जगह पर मैं तेरी धज्जी उड़ा दूंगा। तुझे कोई नहीं बचा सकेगा, ना तेरी ये देशभक्ति, ना तेरा आदर्श, ना तेरी ड्यूटी, ना ये खंबा और ना ये तिरंगा। ए, खबरदार जो तिरंगे के बारे में कुछ भी बोला। अरे पूरे तिरंगे की तो बात ही छोड़ो, इसके एक एक धागे पर जान लुटाने वाले कल भी लाखों थे और आज भी लाखों हैं। जय हिंद। तुमने तिरंगे की शान में गुस्ताखी की है। ऊपर देखो, अब तिरंगे को सलामी दो। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए, फांसी के वक्त भी आप दोनों मौजूद रहते हैं। डॉक्टर साहब वक्त बताते हैं और जज साहब उंगली उठाकर जेलर को इशारा करते हैं, फिर वो फांसी पर लटकाने का हुक्म देते हैं। वो मौत का तमाशा तो आप लोगों की मर्जी से होता है, लेकिन आज की मौत का तमाशा मेरी मर्जी से होगा। बैरो! कभी नहीं मरती, जीवन का ये सूत्र है, जुल्म सितम से लड़ने वाला।
लोग अर्थी कांधे पर उठाते हैं, लेकिन मैं तेरा कफन कांधे पर लाया हूँ। हाँ कृपाल सिंह, यह है तेरा कफन। आप लोग इस तरफ चुप जाइए, फॉलो मी। बीपाल, प्रशांत, रोको पुलिस वालों को। हाँ। कृपाल सिंह गुलाब भाई और अनवर खान के खून के इल्जाम में दफा 302 के तहत मैं तुमको सजाए मौत देता हूं। नदी के दो